व्हाट अप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं शुभम गेमर। तो गाइस आज हम बात करेंगे उन सब रश प्लेयर्स के बारे में जो लोग बहुत परेशान हो गए और सोच रहे कि काश मेरा भी एक बहुत अच्छा सा महल होता, महल लाइक अच्छा विलेज होता एकदम मैक्स जैसे सबके होते हैं। उनका भी एक सपना रहता है ना, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते तो सबका एक रहता है कि टाउन 11 मैक्स हो और जल्दी से जल्दी कर दे मैक्स, और मतलब सबको दिखाए, अपने दोस्त लोग को दिखाए तो उन्हें अच्छा से मिलेगा वो सब रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये बात तो अलग है। तो मैं ये बताता हूँ, जो भी आप लोग रश प्लेयर है ना, तो मैं आपके लिए एक नया टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप लोग एक स्मार्टर वे से खेल सकते हो ये गेम को। तो आप लोग ना कुछ ऐसा कर दोगे, मतलब वैसा नहीं एकदम मैक्स करना नहीं सिखाऊंगा, बट सिखाने का वैसा होगा भी नहीं रश प्लेयर, आपको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो करो। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो यार, $50 का गिव अवे अभी चल रहा है, तो आप अभी जाके पार्टिसिपेट कर लो। अगर आप जीतोगे तो आपको $50 घर बैठे मिल जाएगा। आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पार्टिसिपेट करना है। अगर आप विनर होते हो तो मेरे को अपने वही ईमेल से मेरे को मैसेज कर देना जिससे आपने साइन इन किया था, गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है यार। तो ये था गिव अवे के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि रश प्लेयर्स क्या करेंगे तो उनका कुछ अच्छा हो सकता है। देखो यार, मैंने एक इससे पहले एक वीडियो बनाया था इंजीनियर बेस के बारे में, ठीक है। तो मैं वो इंजीनियर बेस का यही था, मैंने वो वीडियो को इसलिए भी बनाया था क्योंकि उससे रश प्लेयर्स का मतलब कुछ हो सके। तो अगर आप इंजीनियर बेस के बारे में नहीं जानते तो देख लो यार, आई बटन में मैंने वीडियो ढाल के रखा है, आप वो जाके देख लो तो आपको पता चल जाएगा इंजीनियर बेस क्या होता है। फिर वो वीडियो अगर आप देख के आओगे तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप देख लो, अगर आपको अच्छा, अगर आपको पता है इंजीनियर बेस क्या होता है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो यार, रश मैं को यही बताना कि इंजीनियर बेस और रश बेस को हम लोग यहाँ पर कैसे मिलाएंगे तो एक अच्छा सा चीज़ बन जाएगा। तो देखो, रश बेस में क्या करना है, मैंने इंजीनियर में से ये बताया था कि जो भी ट्रैप्स होते हैं उनको अगर आप मैक्स कर दोगे, अगर आप रश हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको एक इंजीनियर बेस बना सकते हो। देखो आपको नॉर्मली क्या करना है, अगर आप टाउन हॉल 8 एकदम रश बेस, ओके आप टाउन हॉल 8 में हो एकदम रश बेस हो चुका है वो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसका जो टाउन हॉल 8 है ना उसको 11 तक लेके चल जाइए, ठीक है। देख लीजिए, आपको ये मन है तभी करना, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया फिर आपको मन नहीं है तो आप लोग मेरे को बोलोगे कि आपने टाउन 11 करवा दिया। तो मैं आपको बोल देता हूँ, आपका अगर मन है तभी करना, पर ये बहुत अच्छा एक टेक्निक है। आप टाउन हॉल 11 में चल जाना और जैसे आप टाउन हॉल 8 रश बेस हो, ठीक है, मैं ये बता रहा था टाउन हॉल 8 रश बेस हो, फिर आप टाउन हॉल 11 कर दो उसको, फिर जो भी ट्रैप्स आएगा ना टाउन हॉल 11 में लाइक टेस्ला, सबको 4 टेस्ला आता है, जितने भी हीरो हीरोइंस और जो भी हीरोज़ होते हैं सबको ढाल दो और ट्रैप सबको एकदम मैक्स आउट कर दो और आपका इंजीनियर बेस हो जाएगा। ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आपका जो जो डिफेंस है वो रहने दो, उसको फिर मैक्स मत करो। फिर ये कब फ़ायदा होगा, आप पुश करने जाओगे तब आपको फ़ायदा होगा, जब आपको कोई अटैक करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा और आप वार में भी अच्छे से कर सकते हो। अगर आप टाउन 11 है तो आपको सिर्फ टाउन 8 आएगा और आप अटैक्स भी बहुत अच्छे से कर लोगे और वो लोग भी आपको अटैक नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे, तो आपको ये वार में भी अच्छा फ़ायदा आएगा और आपको मतलब पुश करने भी फ़ायदा आएगा। तो आप एक नॉर्मली आप मैक्स प्लेयर नहीं बन पाओगे, पर आप एक स्मार्टर वे से खेल सकते हो ये गेम को और आपको बहुत मज़ा भी आएगा खेलने के। तो गाइज ये तो ये सब बता रहा था कि रश प्लेयर्स लोग कैसे एक अच्छा से स्मार्टर वे से खेल सकते हैं और उन्हें भी मज़ा आएगा ये गेम खेलने को। तो गाइज आज का ये वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप दोनों में से कुछ जरूर करिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है सारे मैं जो भी डाल रहा हूँ। और गाइज आपको अगर पता हो तो मेरे 6000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं ये चैनल पर, तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा था। और देख लो गाइज, अगर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह टिप्स क्लैश ऑफ क्लैंस के मैं बहुत सारे लाऊँगा आपके लिए मेरे पास नए नए आइडियाज़ के साथ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके सामने जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप मेरे आके वीडियो को देख लोगे। और ज़रूर से आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिएगा, तो वहाँ पर क्या होता है जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उससे पहले मैं 5 मिनट पहले वहाँ पर दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस आज के लिए था, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय। You know what I'm having with the D.